आज मैं आपके सामने फिर से एक एलकेजी क्लास का इंग्लिश का वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे एन और एट वर्ड्स। ये फोनिक वर्ड्स होते हैं, आपको पता है, और इनका जो वर्ड प्रोनंसिएशन है वो फोनिक साउंड के तर्ज पे होता है। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ एक वर्कशीट के उस पर बनाया है कि जैसे मैंने यहाँ पे एक ट्री बनाया है, आप बच्चे को किसी भी तरीके सिखाइए, बेसिक कंसेप्ट ये बच्चे को अपने हम लोगों को सिखाने को कैसे है। तो ए प्लस एन एन, ए प्लस टी एट एट, ए का फोनिक क्या होता है ए, ए, और ये क्या होता है ए प्लस न एन, हर चीज में आएगा एन प्रोनंसिएशन। यहां पे क्या होगा ए ट, तो ये क्या होगा एट। अब उसके आगे क्या क्या हम जोड़ सकते हैं, तो ए का फोनिक सुनाने वाला है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक ट्री बना दिया है, एक यहाँ पे बास्केट रख दी है। अभी हमें क्या है, यहां से जैसे आपको बच्चे को बताना है फ्रूट्स तोड़ने, चलिए हमने जैसे आर तोड़ा, तो आर और जब उसमें एन जोड़ेंगे तो क्या हमारा बनेगा रैन, वी करेंगे जैसे ये तोड़ दिया, वी करेंगे तो वैन, इसको भी प्लग कर लिया, पैन फैन कैन बैन मैन और टैन। तो बच्चों को ना आप जितना कलरफुल दे पाएंगे, बच्चों को जितना मीन्स आप क्रिएटिव कुछ करवा पाएंगे, तो बच्चा ज्यादा इंटरेस्ट से लेगा, ना कि आप उसको वर्ड सिखाने लग जाएंगे तो फिर इतना नहीं करेगा। जैसे सिमिलरली ऐड की हम बात करें तो सी को हमें किसमें ऐड करना है, कैट में, तो कैट एट में ऐड करना है मीन्स, एफ करेंगे तो फैट, एच करेंगे तो हैट, बी करेंगे तो बैट। इसका एक और तरीका हो सकता है, जैसे बी को आपको कनेक्ट करना है एट से, तो इस तरीके से भी आप करवा सकते हो। एम को करना है एट से, तो जब एम जुड़ेगा तो क्या बनेगा मैट, एस जुड़ेगा तो सैट, पी जुड़ेगा तो पैट और रैट। बेसिकली 8 से 10, 8 टू 10 आपको वर्ड्स बच्चों के एन एट ऐप जो इस तरीके से वो लर्न करवाने होते हैं, जिससे कि बस उसको समझ में आ जाए कि कंसेप्ट है क्या। जैसे इस तरह मैंने साइड में लिख भी दिए, बैन कैन फैन मैन पैन रैन टैन वैन एन वर्ड्स, बैट कैट फैट हैट मैट पैट रैट सैट। तो ये हो गए हमारे एट वर्ड्स। अब बात हम करते हैं फिलिप्स की, तो आप कुछ मैंने इस तरीके से दिया है, जहां पे हम मैंने कैटरपिलर की टेल में लिख दिया है एन वर्ड्स, तो मीन्स यहाँ पे क्या है जो हमें एन से भरना है, फिल करना है, और इधर हमें करना है एट से। तो जैसे बी एन, तो देखिए बी ए एन बैन, सी ए एन कैन, क्योंकि अभी एन की बात हो रही, नहीं तो यहाँ टी भी लिख सकते हैं, बी ए एन बैन, सी ए एन, एफ ए एन फैन, एम ए एन मैन, P A N pan, again B A N ban, R A N ran, T A N tan। तो बच्चा साथ साथ बोलना भी है, प्रोनंसिएशन भी करना है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, पूरे एट वर्ड्स लिख दिए हैं, मीन्स एट लिखा है सिर्फ मैंने। अब हमें देखना है कि बच्चे को कितने वर्ड्स, अभी हमने मान लीजिए इतना करवाया, तो 8 to 10 वर्ड्स में कम से कम 4 to 5 याद लर्न है कि नहीं लर्न है, तो हमें बच्चे को ये बेसिकली दिखाना। तो जैसे क्या क्या बन सकता है, बी ए टी बैट, आप उसको याद भी दिलवाते जाइए, सी ए टी कैट, एफ ए टी फैट, एच ए टी हैट, एम ए टी मैट, पी ए टी पैट, आर ए टी रैट, एस ए टी सैट। तो इस तरीके से बच्चों को आप प्रैक्टिस करवाइए। फिर जैसे ये मैंने बना दिए कुछ फिगर्स, प्लीज मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, तो उस फिगर्स को थोड़ा सा आप इतना नहीं माइंड करिए। जैसे बैन का सिंबल रेड से होता है, वैसे प्रॉपर बी ए एन बैन, ये बना दिया है मैंने, कैन, दिस इज फैन, पी ए एन पैन, वी ए एन वैन, और ये क्या है एम ए एन मैन। तो इस तरीके से बच्चे को आप फिलअप्स करवाइए। फिर वही सिमिलरली हम 80 वर्ड्स पे अगर जाएंगे, तो बी ए टी बैट, एच ए टी हैट, एफ ए टी फैट, थोड़ा अजीब सा बन गया है, सी ए टी कैट, एम ए टी मैट और आर ए टी रैट। तो इस तरीके से कोशिश करिए, जरूरी नहीं है कि मतलब जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट फिलअप दिया है तो आप भी फर्स्ट फिलअप दें, आप उसको ऐसे भी दे सकते हैं, आप उसको ऐसे भी दे सकते हैं, मीन्स हमें बस बच्चे को सिखाना है कि क्या चीजें किस तरीके से कैसे हो सकती हैं। अब जैसे मैंने एक नेक्स्ट लिया है सर्कल द ऑड वन आउट,
पढ़ना है बच्चे को, बोलना है, प्रोनंस किया करना है, और ऑड वन जो है उसको हमें सर्कल करना है. जैसे बी ए एन बैन, सी ए एन कैन, सी ए टी कैट, एफ ए एन फैन. तो क्या है सी ए टी कैट, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है ए टी वर्ड आ रहा है. सी ए टी कैट, एच ए टी हैट, एम ए एन मैन, पी ए टी पैट. तो यहाँ पे मैन. टैन वैन सैट रैन, क्या हो गया सैट. पैट रैट सैट टैन टैन. कैन कैट फैट मैट, यानी कैन. तो प्रोनंसिएशन में अब हम लोगों को फोकस करना है. फिर जैसे मैंने बनाया है यहाँ पे सर्कल द और सर्कल एट वर्ड, मीन्स जैसे ये कोई मैंने एक कार बना दी है, इसमें एट वर्ड कहाँ है, मैंने बहुत मिक्स मैच करके लिख दिए. आप सिंपली ऐसे ही लिख दीजिए, 10 वर्ड्स लिख दीजिए, उसमें 6 एट वर्ड्स दे दीजिए, 7 दे दीजिए, 3 दे दीजिए एन वर्ड्स, मीन्स थोड़े डिफरेंट जो होंगे. तो बच्चे को एट वर्ड्स फाइंड आउट करने. तो जैसे सर्कल एट वर्ड्स, तो एट क्या है, जैसे बच्चा पढ़ेगा कैन पैन फैट, तो क्या है इसको सर्कल करेगा. बैन टैन पैट पैट फैट, अगेन सर्कल करेंगे. रैन मैन बैट, अगेन सर्कल करेंगे. वैन मैट मैट. टैन पैन हैट. तो इस तरीके से बच्चे को सिखाइए डिफरेंस. देखिए सी ए एन कैन होता है, सी ए टी कैट होता है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस बच्चे को मीन्स बताना है प्रोनाउंस करके, फोनिक उसमें कि इसका क्या फोनिक साउंड होगा. एन है ना आ रहा है, यहाँ टा आ रहा है, तो इसलिए कैन कैट. ठीक है, तो आपको ये जरूर फोकस करना है. फिर हम बात करते हैं, जैसे मैंने किया है सर्कल एंड कलर सिमिलर वर्ड्स. अब जैसे बच्चे को पढ़ना है, अब यहां तक मीन्स हम ऐसा अज्यूम करके चलें कि बच्चे को अच्छे से पढ़ना आ गया है. तो जैसे बैन बैट, जैसे सिमिलर जो आएंगे, बैन बैट मैन बैन, फिर से बैन आ गया, तो इनको ये जो सिमिलर हुए नियम सर्कल कर देंगे. मैट बैन मीन्स जो, या तो आप यहाँ पे सर्कल सिमिलर या रिपीटेड वर्ड्स भी कर सकते हैं. कैट रैट बैन, फिर से बैन आ गया. रैन मैट पैट रैन, फिर से रैन आ गया, तो फिर सर्कल. सैट बैन रैन रैन मैन रैन, फिर से सर्कल. पढ़ना भी आ जाएगा, डिफरेंस भी समझ लेगा. फैट पैन कैट फैट, फिर से फैट आ गया. फैन रैट फैन सैट फैन, नहीं आया कहीं भी. वैन सैट वैन, अरे वाह वैन मिल गया. पैट वैन, फिर से वैन. मैट वैन वैन मैन, फिर से वैन मिल गया. तो इस तरीके से आप करवाइए जिससे कि बच्चे को और समझ में आए, वो कर पाए. अब देखिए कल भी मैंने मीन्स लास्ट वीडियो में मैंने किया था, बताया था आपको कॉम्प्रिहेंशन बहुत जरूरी है, जिससे कि बच्चा थोड़ा थोड़ा पढ़ना सीखेगा. पढ़ना नहीं सीखेगा तो रिकॉग्नाइज करना सीखेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जैसे मैंने दिया है अ मैन रैन टू द वैन, तो इसका मतलब भी आप उसको साथ में बताइए कि बच्चा जो मैन था वो कहाँ भागा, वैन की तरफ. अ फैन इज इन द वैन, तो बेसिकली इसमें क्या है, फाइंड एन एंड एट वर्ड्स. ये बच्चे को खुद पढ़ने दीजिए और जितने भी उसको एन और एट वर्ड्स बने मिले वो सर्कल करे और साइड में लिखे. तो जैसे यहाँ पे हमें क्या मिला मैन, तो क्या लिखेगा बच्चा मैन. और इसी तरीके से क्या मिला हमें रैन, तो क्या लिखेगा रैन. बच्चे को ही लिखने दीजिए जितने वो फाइंड आउट कर सकता है. वैन, फिर से फैन. अ फैन इज इन द वैन, तो मिला हमें फैन. फिर से मिला हमें वैन. अ मैट इज बाय द वैन, तो क्या मिला हमें मैट. क्या मिला वैन. अ फैट कैट इज ऑन द मैट, तो क्या क्या मिला फैट कैट और मैट. फैट कैट और मैट. फिर अ रैट इज ऑन द बैट, तो हमें क्या क्या मिला रैट और बैट. अ हैट इज ऑन द रैट, तो मिला हैट और यहाँ क्या मिला हमें रैट. तो इस तरीके से ही आप करवाएंगे, डिफरेंस बच्चे को समझ में आएगा, फोनिक साउंड पर समझ में आएगा, प्रोनंसिएशन समझ में आएगा, तो ही बच्चा अच्छे से कर पाएगा. अगर आपको ये वीडियो मेरा हेल्पफुल लगा है तो प्लीज से लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें. थैंक यू, बाय बाय.